शाम के 3 बज रहे हैं और 12:30 चला था अलेक्जेंड्रिया से, और ये जो पीछे बस खड़ी हुई है इस समय पहुंच गया हूं गीज़ा। ये जो बस है इसमें 60 pounds लगे थे, 60 Egyptian pounds, करीब 3 घंटे का रास्ता है। रास्ता खैर बहुत खूबसूरत था, पर गीज़ा आते आते रास्ता कुछ अजीब सा हो जाता है। और अब यहाँ से पिरामिड्स के पास में एक होटल बुक कराया था, वहाँ जाना है, देखता हूँ कैसे पहुँचूँगा। रास्ता समझ में आ गया, पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ, पर मुझे जाना है। मेरा जो होटल है वो पिरामिड्स के बिल्कुल साथ में है, जगह का नाम है हरम स्ट्रीट। तो वहाँ सामने एक गली है, वहाँ से मुझे बस मिल जाएगी। टैक्सी तो खैर कहीं से भी कहीं के लिए मिल सकती है, बट शायद 2 या 3 pounds में मैं पहुँच सकता हूँ हरम स्ट्रीट, जहाँ मेरा होटल है। और हरम स्ट्रीट नो ओके। एक आम सी गली है ये गीज़ा शहर की, नाइल रिवर है, तो उसके एक तरफ है गीज़ा और दूसरी तरफ है कायरो, जो कैपिटल है इजिप्ट की, कायरो यानी काहिरा। ये आ गया है मेन रोड, जहाँ से मुझे शायद हरम स्ट्रीट के लिए बस मिलेगी। पूछना पड़ेगा किसी से, एनी आइडिया फ्रॉम वेयर कैन आई गेट द बस फॉर हरम स्ट्रीट? बड़ा खतरनाक ट्रैफिक है यहाँ। शायद कोई बस टर्मिनल है और यहाँ से बस मिलेगी, मेरी हेल्प कर रहे हैं ये दोनों। कॉलेज के बाद आज कई दिनों के बाद पिछली वाली सीट पर बैठ के जा रहा हूँ मैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठ के। शाम के 3:30 हो रहे हैं यहाँ पर, और इंडिया में इस वक्त हो रहे हैं शाम के 7 बज रहे हैं। ये भुट्टा खाने का मेरा बड़ा मन कर रहा था, पता नहीं कितने का था ये। भाई साहब परेशान हो रहे थे, कह रहे थे कि इतनी सीट घेर रखी है इन्होंने, कितने लोगों का किराया लेंगे ये। तो मैंने कहा एक और ले लूँगा एक्स्ट्रा। हाउ मच टाइम इट विल टेक फ्रॉम हियर, हाउ मच टाइम फ्रॉम हियर टू द पिरामिड्स? 10 minutes। सही है, 10 मिनट में पहुँच जाएंगे वहाँ पर। जो बस है एक्चुअली छोटी सी बस है, इसको बोलते हैं यहाँ पर मिनी बस गीज़ा में। तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर इस सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए, तो मिनिमम फेयर यहाँ इन मिनी बसेस में 1 pound से शुरू होकर मैक्सिमम 4 pounds तक जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। ये भाई साहब एक और बात बता रहे हैं कि यहाँ पर, मैंने इनसे पूछा आप लोग क्या सिम यूज़ करते हैं और मुझे कौन सी सिम यूज़ करनी चाहिए। मैंने उनको बताया कि बेसिकली मेरा ये यूसेज है वो मुझे सिर्फ इंटरनेट यूज़ करना है, व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहना है, फेसबुक मुझे यूज़ करना है। तो मैंने कहा कि वोडाफोन यहाँ पर ठीक है और जनाब पिरामिड की पहली झलक बहुत करीब से। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पिरामिड? खोफू। हरम खोफू है मुश्किल। व्हाट इज द नेम? खोफू। खोफू, खोफू। ये है खोफू पिरामिड का नाम खफरा। खफरा वाज द वन ऑफ खफरा मेंकौरा। खोफू खफरा मेंकौरा। मेंकौरा, मेंकौरा साइड से खोफू खफरा मेंकौरा, मेरा तो गला। तो खैर मैं आपको वोडाफोन के बारे में बता रहा था, इन्होंने कहा ये रिकमेंड करते हैं वोडाफोन यहाँ पर ठीक है, बाकी मैं देखता हूँ खरीदने के बाद
मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा. एंड दिस इज अ बिग बस. एंड व्हाट इज द फेयर इन दिस बस? मैक्सिमम फेयर. मैक्सिमम बिग बस 2.5. Anywhere? The Alubea. Alubea. This one only is 3.5. 3.5? Yeah. The other one that's the same, 2.5. ये जो पीछे बड़ी बस थी ये भी एक लोकल ट्रांसपोर्टेशन मतलब पब्लिक बस है गीजा के लिए. इसमें भी 2.5 से लेकर 3.5 मैक्सिमम. और अब एक छोटी सी बैटर डोर मिल गई है. करीब 1.5 pounds लगेंगे इसमें मेरे मोटर तक जाने के लिए. वो सामने है पिरामिड्स. वो सामने बोर्ड पे लिखा हुआ अल मंसूरिया जहाँ मुझे जाना है, जहाँ मेरा होटल. जो मोटेल है वो रह गया 570 meters. यहाँ से मुझे मुड़ना होगा राइट. ये है मैप्स एमी ऑफलाइन मैप एप्लीकेशन. मैंने इसको पहले ही डाउनलोड कर लिया था यहाँ आने से पहले. पूरा इजिप्ट का मैप ऑफलाइन डाउनलोडेड है. मैंने सिर्फ इसमें अपना होटल का नाम डाला और इसने लोकेशन दिखा दी है. तो मेरे पीछे है मंसूरिया स्ट्रीट और अब यहाँ से मेरे ख्याल से 0.5 kilometers है पैदल ही निकल जाता है. ये है पिरामिड और ये ट्रैफिक जाम गीजा का ट्रैफिक जाम. एक्सक्यूज मी, आई एम सर्चिंग फॉर द पिरामिड्स हॉस्टल. पिरामिड्स मोटेल. मोटेल हेलो हाय कैन आई हेल्प यू? पिरामिड्स. पिरामिड्स इन? यस यस. नॉट दिस वे. यू लुक लाइक इजिप्शियन. नो नो नो. ओके आई गिव यू माय बिजनेस कार्ड. नो इट्स ओके आई विल कम लेटर. आई एम वेरी मच टायर्ड. यस यहाँ नो प्रॉब्लम. यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है इंसिस्ट करते हैं लोग. थैंक यू वेरी मच. नो बट दिस इज नॉट अरेबिक. नो नो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. ये बंदा परेशान कर रहा था. यहाँ एक्चुअली इस सड़क पे पिरामिड्स इन होटल है और मोटेल है. मैंने बुक किया था मोटेल और वो शायद यही होगा. और ये 2-3 लोग बार बार मुझे होटल लेके जा रहे हैं. Where is pyramids in hotels? Hotel, not hotel. Hotel, very hotel. Yeah. पता नहीं क्या अजीब सी जगह है. मैं पहुंच तो गया हूँ फिलहाल. नाम था पिरामिड्स इन मोटेल. यहाँ लिखा है मोटेल. ऊपर लिखा 9 पिरामिड्स मोटेल. यहाँ लिखा हुआ न्यू मेम्फिस पैपिरस और ऊपर छत के ऊपर लिखा हुआ पिरामिड इन होटल. इतना कंफ्यूजन है ना. खैर अंदर जाके पता करता हूँ क्या है ये. ये स्टेयर्स हैं. इन स्टेयर्स से मैं ऊपर आया. ये कॉरिडोर और यहाँ से मैं अंदर घुसा. और भाई साहब ये है मेरा कमरा. बाली वाले वीडियोज़ में आपने मेरा रूम देखा था, वो एक रिजॉर्ट में था. ये है मेरा एक कमरा एक होटल में. इस बार मैं हॉस्टल में नहीं रुका हूँ. कारण है, शेयर करूँगा अभी. तो ये जो रूम है इसका टैरिफ है 1200 rupees. तो मुझे अभी पे करना है नीचे जाकर. मैंने कहा मैं नहा के उसके बाद पे करूँगा. मैंने इसको सिर्फ एक रात के लिए बुक किया है. यहाँ से पिरामिड्स नज़र आते हैं. ये मैंने booking.com पे देखा था. हाँ booking.com से मैंने इसको बुक किया था. ये एक बेड है, टीवी है, ये मैं हूँ सामने, ये अलमारी है. एक बेसिक रूम. एक्चुअली मैंने इसको पहले दिन बुक इसलिए कराया कि 2 दिन से, क्योंकि मैं कल सैटरडे मॉर्निंग में चला था घर से और आज संडे. तो मैं चाह रहा था कि से कम पहली नाइट मैं एक ठीक ठाक से एक प्राइवेट कमरे में रुक जाऊं. उसके बाद में देखा जाएगा काउच सर्फिंग या हॉस्टल. इस ट्रिप पे मैं सोच रहा हूँ हॉस्टल्स में ही रुकूं, काउच सर्फिंग ना करूं. कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना चाह रहा था. धीरे धीरे जैसे जैसे होगा मैं शेयर करता रहूँगा. होटल की छत पर आ गया हूं, नहाऊंगा बाद में. एक्चुअली शाम होने वाली थी. कुछ तस्वीरें मैंने booking.com पर देखी थी. मुझे लगा कि अच्छी लग रही हैं.
इसका रिव्यू भी ठीक ठाक था तो मैंने बस इसको बुक कर लिया है। और अब ऊपर चलते हैं। ये तो जनाब गली है, ये पीछे रेगिस्तान है जैसलमेर की तरह, इधर सारी आबादी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज़ जिसकी वजह से मैंने इसको बुक किया, वो है ठीक मेरे सामने और आपके पीछे, पिरामिड्स, इजिप्ट के महान पिरामिड्स। कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पर, शायद वो होटल ही है, इसकी बालकनी से आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ आबादी है, जो गेस्ट हाउसेज, मोटेल्स, हॉस्टल्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको इसी तरह का व्यू मिलता है। ये करीब 1200 रुपये का मैंने बुक किया था, जिसमें ब्रेकफास्ट भी शामिल है। और सबसे शानदार बात थी ये व्यू, जिसकी वजह से मैंने इसको बुक किया। सुबह के 11 बज रहे हैं, आज सेकेंड डे है मेरा यहाँ इजिप्ट में। मैं बता दूँ इस होटल के बारे में, मेरा स्टे कैसा रहा और ये होटल कैसा है। ये करीब 1100 रुपए में मैंने बुक किया था booking.com पर, करीब 300 इजिप्शियन पाउंड्स। अब चेकआउट कर चुका हूँ यहाँ से, मैं किसी दूसरे एक और जगह पर जा रहा हूँ, यहीं पर रुकूँगा आज भी गीज़ा में ही, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी यहाँ पर जिसकी वजह से मैं यहाँ से अब चेंज कर रहा हूँ। वाईफाई इंटरनेट स्पीड बहुत ही घटिया थी और जिस वजह से मैं कुछ भी ना तो इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप मैं बिल्कुल नहीं देख पाया, यूट्यूब वीडियो से कमेंट्स तक मैं नहीं देख पा रहा था। उसके अलावा कुछ भी छोटे मोटे काम के लिए मुझे रिसेप्शन पे आना पड़ता था और जिसको देखो वो स्मोक करता था, तो पूरा जो वो रूम था, मैं जब भी आया तो स्मोक से मुझे प्रॉब्लम होती थी। बाथरूम बेकार था, छोटा सा बाथरूम, पानी भर जाता था, मतलब बहुत ही छोटा था। और जो नहाने वाली स्पेस थी वो क्यूबिकल बहुत ही बेकार था, बहुत छोटा सा था। अच्छी बात इसकी सिर्फ एक ये है कि ये मेन रोड पर है, यहाँ पर आपको यहाँ तक आने के लिए आपको ये मिनी बसेस और ऑटो रिक्शाज मिल जाएंगे, जिसको यहाँ टुक टुक बोलते हैं, 2-3 पाउंड्स में। और इसका जो रूफ टॉप है वहाँ से पिरामिड्स का बहुत अच्छा व्यू है, मैंने कुछ फोटोग्राफ्स शाम को क्लिक की थी। तो खैर ये सारा हिसाब किताब है होटल का, जिसका नाम है पिरामिड्स इन मोटेल। और एक जो एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बतानी थी, जो मुझे बहुत घटिया लगी यहाँ की, मैंने कल शाम को जब यहाँ चेक इन किया, पैसे देते हुए उन्होंने कहा कि आप कुछ 320 पाउंड्स देने थे, तो इन्होंने मुझे कहा कि इजिप्शियन हॉस्पिटैलिटी है, हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, आप ये 20 पाउंड्स अपने पास में रखिए, बस आप रेटिंग ज़रूर अच्छी दे देना। फिर एक सज्जन और आए, उन महाशय ने कहा कि आप, उनका जो बात करने का तरीका था वो इंसिस्ट कर रहे थे, बल्कि फोर्स कर रहे थे वो, कि रेटिंग्स आप हमें अच्छी दीजिए ज़रूर और ये 20 पाउंड रखिए। और मैंने एक्चुअली इस होटल को booking.com पर इसके रिव्यूज़ चेक करके लिया था, तो जो गेस्ट की रेटिंग्स का जो टोटल था, मतलब जो रेटिंग्स आती हैं टोटल, वो काफ़ी अच्छी थी इसकी रेटिंग्स, इसकी वजह से मैंने इसको बुक किया था। तो अब पता चला मुझे कि इसकी रेटिंग्स इतनी अच्छी क्यों थी। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इन्होंने जो रेटिंग्स अच्छी करवाई हैं वो शायद ऐसे ही करवाई हैं गेस्ट को बोल बोल कर ज़बरदस्ती कि आप हमें अच्छी रेटिंग्स दीजिए। कभी भी ऐसा आपके साथ में हो, कोई आपको कहे कि हमें आप अच्छी रेटिंग्स दो, चाहे कहीं पर भी किसी भी सर्विस के लिए, क्योंकि हमें सर्विस प्रोवाइडर को खुश करने के लिए रेटिंग्स नहीं देनी है, हमें अपने जैसे दूसरे गेस्ट हैं या जो सर्विस देने वाले लोग हैं उनके लिए रेटिंग्स देनी है। हमेशा ख्याल रखिए, रेटिंग्स वही दीजिए जैसा आपको महसूस होता है। $1. Why? क्यों चाहिए $1? $1. Why? Why do you need $1? What is your name? Farad. Hi. हाँ? Why do you need $1? As in harama? हाँ? Harama. Harama? ये क्या होता भाई? As in dollar. School, school. A school? School. Must pay. Okay. Must. Shukran, bye. अब इस बच्चे से पीछा छुड़ाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। करीब 1.1 किलोमीटर दूर था ये मेरे पुराने होटल से, तो थैंक यू। ये जो भाई साहब थे इन्होंने इस बच्चे को डांट के भगा दिया। भाई साहब सच में हमारे देश में ऐसी ज़रूरत है, जब आपको लगे कि कोई टूरिस्ट
कोई आदमी हमारे देश का आदमी किसी टूरिस्ट को परेशान करता है तो इस तरीके से काम करने की ज़रूरत है। उसको डांट के जो परेशान कर रहा है प्लीज़ भगा दीजिए, हेल्प कीजिए टूरिस्ट की जैसे मेरी हेल्प की उन्होंने। ये बच्चा परेशान कर रहा था मुझे, हालांकि बच्चा अभी भी मेरे साथ में लगा हुआ है। ये है वो जगह जहाँ मैं आज रहने वाला हूँ, पिरामिड्स लॉफ्ट, और ये इसका रूफटॉप है जहाँ से पिरामिड साफ नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे टूरिस्ट हैं यहाँ पर, उनसे मैं बात कर रहा था। रूम का अरेंजमेंट अभी हो रहा है तो इसलिए मैंने अपना सामान नीचे रखा हुआ है और मैं वेट कर रहा हूँ किसी के आने का जो बताएंगे मुझे आज के कहाँ ठहरना है। बट ठीक है, करना क्या था, यहाँ मैं आया था लोगों से बात करने के लिए, टूरिस्ट से, यहाँ के लोकल से। पीछे मेरे एक भाई साहब अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, इधर मेरे पीछे वो एक फ्रेंच टूरिस्ट हैं, उनके साथ मैं भी बात कर रहा था, उनके इंडिया के एक्सपीरियंसेस वो शेयर कर रहे थे। तो बस ऐसे इत्मीनान से बैठी है, तसल्ली से। ये जो भाई साहब है मेरे पीछे 5 दिन से यहाँ पर हैं, तो ये जगह है 5 दिन बिताने के लिए। ये सोफ़ाज लगे हुए हैं, चेयर्स लगी हुई हैं, चाय पीजिए, खाइए, आराम से बैठे रहिए, रिलैक्स कीजिए। जैसे तरीबा कासी सामा सामा मलेशियन। तुम कैसे हो? ओके जनाब, हिंदी भी जानते हैं। 100 pounds में 1.5 GB का डेटा दे रहे थे वोडाफोन की सिम, 150 pounds में 3.5 GB का डेटा मिल रहा था, यहाँ से वोडाफोन की एक सिम दे रहे थे। बट जो भी है अच्छी है, हल्का सा इसमें नमक है, थोड़ी सी नमकीन है, खमीरी है शायद ये। मैं क्योंकि एक फॉरेनर हूँ तो मेरे लिए टिकट का जो रेट है वो है 120 इजिप्शियन पाउंड। ये है जनाब टिकट, और अगर यहाँ के रहने वालों के लिए टिकट का जो रेट है वो है 10 इजिप्शियन पाउंड। टिकट खरीदते हुए जनाब थे, पूछ रहे थे कि आप इंडियन हैं, मैंने हाँ कहा तो खुश हो गए।